हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे दो और दो से ज़्यादा, मतलब 10 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती है, 50 भी, 100 भी, वीडियोस को एक साथ आप वायरल करने का चांस बना सकते हो। तो जैसे कि मेरा थंबनेल आपने देखा है गाइस, आज मैं बताने वाला हूँ किस तरह से सब लोग यही चीज़ें डिस्कस करते हैं, कैसे हम वीडियो को वायरल करें। आज मैं प्लेलिस्ट के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर आपको एक से ज़्यादा वीडियोज़ को एक साथ लोगों तक पहुँचाना है, कहीं ट्रैफिक तक जाना है, तो आपको प्लेलिस्ट ही हेल्प करेगी। और प्लेलिस्ट से यकीन मानो बहुत अच्छे व्यूज़ भी आते हैं। मैं इसी वीडियो के अंदर एक तरीका बताऊंगा कि किस तरह से आपको उसकी सेटिंग करनी है, क्योंकि प्लेलिस्ट बना के छोड़ दोगे तो आपको व्यूज़ नहीं आएंगे, उसमें थोड़ी सी सेटिंग भी करनी पड़ती है। दूसरी बात, प्रूफ दिखाऊंगा किस तरह से व्यूज़ आते हैं, और अपने इसके ऊपर ही बताऊंगा, ठीक है। पूरी कंप्लीट वीडियो को देख लेना जो सीखने आया भाई। चलिए शुरू करते हैं, स्क्रीन के ऊपर ले जा रहा हूँ गाइज। यहाँ पे हम क्रिएटर स्टूडियो ऐप के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट खोल रखा है एनालिटिक्स में जाके। आप प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको पता चलेगा, अगर आपने प्लेलिस्ट बनाई होगी, कि आपको वहाँ पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं और कितने कितने कितनी बार आपकी प्लेलिस्ट देखी जा रही हैं, एवरेज व्यूज़ क्या आ रहे हैं, और टॉप की प्लेलिस्ट कौन है जिनसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। ये मैंने अपनी प्लेलिस्ट के लिस्ट दिखा देता हूँ 365 डेज़ का करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी व्यूज़ यहाँ पर मुझे आए हुए हैं इससे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो भाई बात ऐसी है कि प्लेलिस्ट बनाओ। यहाँ देखो इतने व्यूज़ हैं, ये इतने व्यूज़ हैं, इस पे इतने, इसके इतने, मतलब प्लेलिस्टों से व्यूज़ मिलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखना, सेटिंग करने बताने जा रहा हूँ किस तरह से आपको प्लेलिस्ट बनानी है और उसकी सेटिंग करनी है गाइस। तो यहाँ पे मेन्यू खोलोगे तो यहाँ साइड में आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा, प्लेलिस्ट पे आपको जाके सिंपल क्लिक करना है। अब जैसे कि मैंने ये एक प्लेलिस्ट बनाई है एक्टिव सब्सक्राइबर्स से रिलेटेड, यहाँ पे 22 वीडियोस हैं। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइबर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए और एक्टिव सब्सक्राइबर्स किस तरह से गेन कर सकते हो, तो आप इस प्लेलिस्ट की हेल्प ले सकते हो। इसमें 22 वीडियोज़ हैं, सब में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं कि सेटिंग क्या करनी है गाइस। इस तरह से प्लेलिस्ट में चले जाना है ऐप के अंदर, स्टूडियो ऐप में, क्रिएटर स्टूडियो में, और फिर यहाँ पे जो पेंसिल का एडिट बटन है इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने टाइटल जो रखा है वो तो रखा ही है, लेकिन आपको प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन भी देनी है। अब डिस्क्रिप्शन में आपको उसी तरह से कीवर्ड्स भर देने हैं टॉपिक से रिलेटेड, जिस कैटेगरी पे, जिस टॉपिक पे आपकी प्लेलिस्ट बन रही है, आपको कीवर्ड्स भरने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपकी वीडियो, आपकी प्लेलिस्ट जो है वो ऊपर रैंक करे। ऊपर रैंक कैसे, वो भी मैं बता देता हूँ। इसके लिए हम चलते हैं यूट्यूब ऐप के ऊपर। तो अब गाइज यहाँ पे मैं कुछ सर्च कर लेता हूँ, जैसे मैंने यही सर्च कर लिया हाउ टू गेट सब्सक्राइबर्स, तो ये कुछ वीडियोस हैं जो ऊपर आ जाती हैं। लेकिन लोग दुनिया में फिल्टर लगा के भी करते हैं। अब लोगों को एक एक करके वीडियो नहीं देखनी है, लोग चाहते हैं कि उनको पूरी प्लेलिस्ट चाहिए सेम किसी भी टॉपिक पे, और एक साथ ही सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएं। तो इस तरह से जब आप सर्च करोगे गाइज, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी प्लेलिस्ट सेकंड नंबर पे आपको दिख जाएगी, रैंक कर रही है। ऊपर फर्स्ट पे ऐड है, सेकंड पे एक बनी हुई है, और दूसरे नंबर पे मेरी प्लेलिस्ट आ रही है। तो गाइज इस तरह से लोग दुनिया में फिल्टर लगा के बहुत सी चीज़ें सर्च करते हैं। अगर लोग डायरेक्ट, कई लोग, मैक्सिमम लोग वीडियोज़ भी सर्च करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो सीधे प्लेलिस्ट में घुसना पसंद करते हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट में उन्हें उस टॉपिक के ऊपर एक साथ बहुत सारे वीडियोस उस कैटेगरी के मिल जाते हैं। तो प्लेलिस्ट का फ़ायदा उठाओ, प्लेलिस्ट बनाओ, डिस्क्रिप्शन लगाओ, और बढ़िया से अच्छी अच्छी वीडियोस बना के उसके अंदर डालो। यकीन मानो गाइज, आपके व्यूज़, वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स, तीनों चीज़ें बढ़ेंगी अगर आपका कॉन्टेंट अच्छा हुआ। इस चीज़ को एक बार आजमा के ज़रूर देखें गाइज। तो गाइज ये वीडियो देखने के बाद जितने भी लोग अभी प्लेलिस्ट बनाओगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और जिन्होंने पहली बार ये इन्फॉर्मेशन सीखी है प्लीज़ वो भी कमेंट करके मुझे बताना। इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लें, अगर आपका कोई भी पर्सनली सवाल हो तो आप मुझे वहां पे पूछ सकते हो, सबको सॉल्यूशन मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेल आइकन के साथ, ताकि कोई भी नई वीडियो आप मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।